दोस्तों राम राम समा था को दोस्त था को भालो था को मित्र को सिंगल समा डिघाल में है और पूरे ब्लॉक में और अन्य ब्लॉक में भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हो रहे हैं। बड़े रोचक चुनाव है क्योंकि सीधे रूप से किसानों से जुड़े हुए चुनाव है और यूँ कहें कि खेत खलियानों से देश की राजनीति आगे चलती है और इन चुनावों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बड़े बड़े पॉलिटिकल चेहरे इन चुनावों से एक सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़े हैं। बहुत एग्जाम्पल भी ऐसे हैं इसी समय डिघाल में है। डिघाल में जो चुनाव में बड़ा उलटफुलट हुआ है उसमें हम आपको बता दें हमारे पास में अनिल नेहरा जी है जिन्होंने एक वार्ड के चुनाव में यहाँ के स्थानीय वार्ड के पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी जो कहें भाजपा के अच्छे नेता हैं रामव्यास डूडी साहब उनको चुनाव हरा कर देखे हुए बड़ा उलटफुलट किया है। तो नेहरा जी पर तो बधाई हो बहुत सारी। बिल्कुल वेलकम। तो किस तरीके से मतलब आपका चुनाव कैंपेनिंग रही क्या मतलब जब चुनाव सामने डूडी साहब थे या कैंपेनिंग किस तरीके से आपने की कहाँ से बूस्टअप लगा कैसे आपका चुनाव बना तमाम चीज़ें क्योंकि बड़ी चर्चा है कि भाई डिघाल ग्राम में पंचायत समिति सदस्य डूडी साहब का भी बड़ा नाम है और मेंबर हैं प्रधान के दावेदारों में रहे हैं और सैनिक और कई संगठनों से जुड़े भी हैं। तो किस तरीके से चुनाव में आपने ये बड़ा उलटपुलट किया है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ सबसे पहले बड़े बुजुर्गों और युवाओं का और पूरे गांव का सहयोग रहा है। उन्हीं के आधार पर मैं ये जीत उन्हीं के नाम करता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये इस मुकाम तक पहुंचा हूं। बिल्कुल जब नॉमिनेशन जब आपने दाखिल किया तो मतलब वार्ड कौन सा आपका 12 नंबर का था? 5 नंबर वार्ड था। तो सामने जब बड़ा कैंडिडेट होता है तो क्या था कि भाई चलो भर लेते हैं फार्म देखते हैं क्योंकि लगातार मुझे जितना लगातार अध्यक्ष के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा है तो क्या माने कि इतना लंबा कार्यकाल 15-20 साल हो गए क्या उनको लगातार बनते अध्यक्ष के रूप में? 11 साल हो गए। ठीक है तो 11 साल एंटी इनकम्बेंसी हो गई या कैसे कारण रहा कि आप वहाँ विनिंग पोजीशन में आए हैं? मेरे विनिंग में तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ मेरे साथ ग्रामीणों का पूरा सहयोग था। पूरे पूरे गाँव वाले मेरे साथ थे उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये इस मतलब ये जो फार्म चुनाव जीते हैं फार्म लगाए उन्हीं के आशीर्वाद से। क्या क्या अंतर रहा आपका? 15 वोटों का अंतर रहा। 38 वोट थे 35 वोट खड़े पूरे और उसमें 25 वोट मेरे हैं 10 वोट उनके हैं। 25 वोट बहुत अच्छे खासे वोट हैं और इनमें भी मतलब जो तमाम किसान जो ऋण लिए हुए वाले लोग हैं सभी लोग जुड़े हुए रहते किसान सभी किसान ही थे। तो अभी कल अध्यक्ष का चुनाव रहेगा तो मतलब जैसे अभी क्योंकि लड़ाई तो लंबी है क्योंकि कल अध्यक्ष का है चाहे स्वयं नहीं बने हमने बहुत बार देखा अपने आदमी को बनाने में कई बड़े कैंडिडेट मतलब कामयाबी होते हैं। तो क्या मानते हैं कल की किस तरीके से तैयारी अध्यक्ष के रूप में भी? अध्यक्ष तो इस चुनाव से मैं उसको छोटा ही चुनाव मानता हूँ और सबसे बड़ा चुनाव तो यही था मेरा और वो तो उन्हीं के सदस्य आधार पर निर्भर करता वो किनको चुनते हैं। क्या 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 गणित है कितने टोटल वोट है अध्यक्ष में पास करेंगे? 12 सदस्य हैं। तो कई तो निर्विरोध भी निर्वाचित हुए हैं। हाँ बिल्कुल दो वार्डों में चुनाव हुए थे। दो वार्डों में चुनाव हुए 10 निर्विरोध थे। तो 10 निर्विरोध हैं हुए हैं तो मतलब किस तरीके से अभी कल कुछ और बड़ा वोट कर सकते हैं या वो संभावना है? वो तो बिल्कुल कोशिश करेंगे 100%। तो क्या ऐसे कारण है आप कह रहे हैं उलट फोक इनका रिजल्ट रहा क्या मतलब नीति और या इतना लंबा कार्यकाल हो जाता है? सर ऐसा है कि 15 सब हमारे दो पंचायत हैं जयगांव और डिगाल उसका वो मेंबर था उसने फॉर्म भर दिया तो हमने क्या बोला कि भाई पूरे माल निर्भर हो गए तो यार तेरा क्या मतलब है उन्हें मैं लड़ूंगा लड़ेगा तो जिस भी आएगा तो हमने उस तरीके से आप जिस भी आए उसको हमने खड़ा कर दिया। गांव की वोटों की सालम होती है साथ में थी तो चुनाव जीत गया। क्या क्या करते हो नीरज जी आप वैसे? मैं खेती करता हूँ। अच्छा तो गुरु जी भी रिटायरमेंट या पद से मतलब गांव की राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे क्या गुरु जी? डायरेक्ट नहीं पर जब इस तरह के नौजवान बच्चे सामने आते हैं तो दिल में खुशी होती है और उस खुशी का इजहार मैं सबसे पहले आपका थैंक यू बोलते हुए करता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके संस्कार अच्छे हों जिनके विचार अच्छे हों और जो मूल रूप से खेती से जुड़ा हुआ मजदूरी करने वाला बच्चा यदि आगे बढ़ता है तो मैं नहीं पूरा गांव खुश है और उस खुशी का ही परिणाम ये है कि कल अध्यक्ष बने या नहीं बने ये मायना नहीं है गांव के लिए। गांव के लिए मायना आज वाला रिजल्ट मायना गांव के लिए आज वाला चुनाव मायना रखता था और पूरे गांव में ऐसी कल के लिए पहले से प्रिपेयर आपकी कल वाला रिजल्ट नहीं आएगा नहीं हम ये नहीं कहते हमारे पक्ष में नहीं आएगा
हम ये भी नहीं कहते हमारे पक्ष में नहीं आएगा, लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हर जो प्रयास है, मतलब आपकी खेमे की तरफ से अध्यक्ष के रूप में 100% पक्का हमारा अध्यक्ष ये है, विधिवत बने या नहीं बने पर हमारा अध्यक्ष ये है। आपने तय कर दिया जी, बिल्कुल कर दिया। और क्या क्या ऐसे मुद्दे होते हैं किसान से रिलेटेड, ये तमाम ये सहकारी समिति वाला चुनाव होता है, क्या ऐसी चीजें होती है कि पूरी तरीके से, मैं देखता हूँ हर गांव, जैसे आप मेरे कमरा साथी कहूँ जा दिखाएं कि सब लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं चुनाव में, क्या ऐसे मुद्दे? मैं बताऊँ, मुद्दे हैं सबसे पहला व्यवहार, और कहीं भी हम खड़े हों भाषा हमारी मर्यादित हो, विचार हमें अच्छे हों, और किसी घर परिवार की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी है। किसी व्यक्ति का सम्मान चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो करता है वो अनिल कुमार उर्फ टिल्लू, इसलिए टिल्लू नाम है क्या? चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो और एक जो एक प्रत्याशी और है, कौन जी मिल है ना, वो आ रहे हैं क्या? आप बताओ बाबू जी, आपको परिचय बताओ। परिचय, मेरा नाम देवकर्ण उप सरपंच। तो किस तरीके से देखते हैं डिगाल? तो यहाँ क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होता है, नौलगढ़ की विधानसभा स्टार्ट डिगाल से होती है, तो यहाँ की मतलब हर मूवमेंट पूरे विधानसभा तक मैसेज जाता है। भाई गांव में बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया लेन देन है, बढ़िया इज्जत करते हैं गाँव वाला की, तो हमारी बढ़िया इज्जत। अब क्या गणित की तैयारी है कल? गणित आकर कोशिश करेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। तो जो अन्य जो मेंबर्स हैं, जो आपके 12 आपके अलावा एक, चलो कौन जी 10 और, उनसे किस तरह की संपर्क है, क्या कह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं या फिर एक जैसे धड़ेबाजी, आपका धड़ा हो गया उनका धड़ा हो गया? हमारा कोई धड़ा नहीं है, हम धड़ा लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये अध्यक्ष के रूप में आप आपका नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे भाई इन चीजों को लेकर? मैं किसानों की ये बात करता हूँ, किसानों के जो भी हित में काम होगा ना, वो सारे मुद्दे साथ में लेके चलेंगे, जो भी किसानों के हित में जो भी काम होगा ना उसके अंदर में सरकार की, चाहे केंद्र राज्य सरकार, तमाम खूब ऐसी पॉलिसी आती है जो किसानों को, उनको फायदा मिलना चाहिए, इनका नॉलेज चाहिए, हर चीजें चाहिए, तो मानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर ही आप अपनी टीम के साथ में इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? मैं ये मानता हूं हुकम सिंह जी कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी पारदर्शिता के साथ काम करे और सबके बीच में अपनी बात रखे, तो निश्चित रूप से हम किसानों का, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो भी हमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की सुविधाएं, जैसे कोई ऋण माफ करना और करना, या किसी भी कमजोर व्यक्ति के पैसे की जरूरत हो, और उस समय यदि आगे बढ़ के हमारा बनने, ये जो आज तीन मेंबर बना है टिल्लू, ये आगे हमें भरोसा है कि इस तरह से लोगों की सेवा करेगा, ना कि किसी कमजोर व्यक्ति को या साधारण व्यक्ति को ये डराएगा कि मैं देख लूंगा तेरे को। ये भाषा जो थी वो भाषा ही इतनी खतरनाक थी। ये मतलब कई अगले कहेंगे ये तो विपक्षी का बात थी, बाकी ये रिजल्ट चुनाव तो चलते रहते हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, गांव को तकलीफ पीड़ा इस बात की थी कि भाषा हमें परेशान कर रही थी, बाकी हमारे भी को बहुत अच्छे, सब पूरे गांव के अच्छे तालुकात हैं और अच्छे ही रहने चाहिए। हम लगातार अपील करते हैं कि चुनाव के परिणाम चलते रहते हैं, मतभेद अलग या मनभेद कभी नहीं होने चाहिए, और उसी प्रेम से ही आगे चलना चाहिए लगातार। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव के विषय में अभी तो अनिल भाई जीते हैं, क्या बोलना चाहोगे? छोटा भाई है, बहुत बहुत बधाई। पहले से उम्मीद थी क्या? जी जी, बड़ा मतलब बुलेट प्रूफ हो गया, पूरे क्षेत्र में चर्चा है जी, हमारी सुकान इसके साथ। कल की क्या तैयारी है आप? कल चुनाव लड़ेंगे, और जो आपके 11 इनके अलावा 11 और, उनसे किस तरह संपर्क चल रही है? उनसे बातचीत चल रही है कि हमारे साथ है, ये भी आज दो ही वार्ड में चुनाव है, 10 निर्वल कौन जी बधाई हो थाने भी। बिल्कुल बधाई हो। तो क्या कल की क्या तैयारी है अध्यक्ष में? आपके खेमे से दो लोग आप और बाकी और से संपर्क साधना है, देखो तो कल की तो कल देखिएगा क्या पता, फिर भी मन में सारे विचार बन रहे हैं, विचार करेंगे बैठ के, अभी दुनिया में से नाम तय करना ही सोच रहे हो भाई, वो बैठ के तय करेंगे अभी। पुराना आदमी यूथ के सोचोगे, पुराना या यूथ? पहले कुछ डिक्लेयर नहीं होती है, फिर भी मतलब मन में थारे भी है, हम पहले डिक्लेयर करेंगे, किसी का विरोध होगा और जो टाइम पे डिक्लेयर होगी उसका समर्थन हो जाएगा। फिर भी क्या कोई रणनीति विशेष बनाई है, बनाओगे? बनाएंगे, अभी तो दाग भी जाके नहीं भी, बिल्कुल वो दुखद हादसा है, दुखानी मौत भी। चलिए तो हमारा सब का जिस दाह संस्कार में गए हम सब साथ नमन करते हैं, और इस चुनाव के दृष्टिकोण में आप लोगों ने देखा है
डिघाल का जो चुनाव है ग्राम सेवा सहकारी समिति का, अनिल भाई चुनाव जीते हैं, रामदास जुड़ी जो पंचायत समिति सदस्य उनको चुनाव हरा कर तो बड़ा ऑडिट प्रूफ है। लेकिन अध्यक्ष के रूप में कल क्या होता है, उसी खेमे से अध्यक्ष बनते हैं या फिर ये कुछ एक बार फिर बड़ा ऑडिट प्रूफ वापस कर पाते हैं, ये रोचक रहेगा। तमाम ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव देखिए अलग अंदाज में, डिघाल ग्राम पंचायत का ये विशेष नज़ारा आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।